Hello students, today we will do second standard lesson story time. Yash and Moti. Listen and repeat. Yash was happy. His mother bought him new shoes. He woke up early. In the morning, he went out to look at his new shoes. Oh no, he cried. There is only one shoe here. Where is my other shoe? He looked everywhere. ना चिल्ड्रेन इसके पैर में दो जूते हैं तो उसको शूज़ बोला जाता है और इधर एक ही जूता है तो उसको क्या बोलते हैं शू इधर हम लोग एस नहीं डालते और ये जूते को हम लोग एस डालते तो इसको बोलते शूज़ और इसको बोलते हैं शू तो एस नहीं डालना चाहिए सो दिस इज़ शू ही कुडेंट फाइंड इट विच वर्ड इज़ दिस कूडेंट

वैगिंग हिज टेल हि बाक्ट ये कोने मोती भवो यश लुक्ट एट मोती मोती हैव यू सीन माय शू भव मोती बाक्ट एंड रैन टू अ ट्री इन द फ्रंट यार्ड Yash followed Moti. There was a hole under the tree. Yash saw his shoe in the hole. A big fat rat had carried it there. Yash, Yash picked it up. अभी जूता किधर था ये होल में था एक खड्डे को क्या बोलते होल और जूता ये होल में था तो ये कौन है मोती और ये कौन है यश तो मोती भागता रहता है तो बताने के लिए यश को कि जूते इधर है तो यश फॉलोज मोती ओके यश फॉलोड मोती थैंक थैंक गॉड ही सेड द रैट हैज़ नॉट निबल्ड माई शू इट इज़ इन गुड कंडीशन निबल्ड मतलब क्या दाँत से काटना तो चूहे ने मेरे जूते को दाँत से नहीं काटा न निबल्ड मतलब जूते को काटना मतलब ऐसे खड्डा करना कोई चीज़ को Uh, मतलब दांत से uh, काटना भाव मोती अग्रीड थैंक यू मोती सेड यश फाइंड द वर्ड्स इन द स्टोरी विच मीन्स इसका मीनिंग क्या है बिटन कट ऑफ विथ टीथ मतलब दांत से काटना उसको क्या बोलते निबल्ड ये वर्ड है निबल्ड दात से काटना मतलब निबल्ड क्राइड नॉइजिली मतलब सॉफ्ट मतलब एकदम दुखी से न हल्के से रोना उसको सॉफ्ट बोला जाता है एस ओ बी बी ई डी आंसर इन अ वर्ड और अ फ्रेज हु बॉट न्यू शूज फॉर यश किसने लाया न्यू नए जूते यश के लिए मदर आंसर क्या है आप फ्रेज में भी दे सकते मदर अगर आपको सेंटेंस में देना है तो कैसे बोलेंगे मदर बॉट न्यू शूज फॉर यश नहीं तो सिर्फ मदर लिखो इधर हाउ डिड यश फील देन हैप्पी वाई वॉज वाई वॉज यश वाई वॉज यश सॉबिंग हिज शू वॉज His shoe was lost. Who had carried Yush's shoe to the hole? A big fat rat. Big fat rat. Okay, children. Bye.